नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अमौली विकास खंड वार्ड नंबर 19 उपचुनाव जिला पंचायत सदस्य को लेकर प्रत्येक नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रणभूमि पर उतरे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस रणभूमि पर कौन विजय हासिल करता है, जबकि इस उपचुनाव में रनर रहे कुछ प्रत्याशी भी अपनी किस्मत फिर से आजमाने में लगे हुए हैं। रिक्त सीट पर इस बार का चुनाव त्रिकोणीय बनता जा रहा है। इस सीट में रही जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय राम देवी की जगह रिक्त हुई सीट में उनकी जेठानी भी लोकतंत्र के पर्व में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी प्रत्याशी अपने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। अब देखने की बात होगी कि इस रणभूमि में किसके सर ताज चढ़ता है। इसी क्रम में आज बीजेपी रनर रहे प्रत्याशी शानू देवी पत्नी सुरेंद्र यादव द्वारा अमौली कस्बे के पाइप सेंटर के नजदीक पूजन अर्चन कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके तत्पश्चात अमौली कस्बे में भ्रमण कर सभी मतदाताओं से वोट मांगकर चुनाव चिन्ह क्रेन मशीन पर वोट डालने की अपील की गई। अनिल कुमार, इंडिया समाचार, जिला ब्यूरो चीफ, फतेहपुर। समर्थन प्राप्त है। चुनाव जीतने के बाद आपका मुद्दा क्या रहेगा? जनता के बीच में रहना, जनता का विकास कराना, समस्याओं का निराकरण करना, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। कितने वोटों से जीतने की आपको उम्मीद है? आधे में हम हैं, आधे में बंटवारा। अच्छा, और जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जनता के लिए जब तक जब हमें जिता रही है तो जनता के साथ बस यही कहना है कि उनके हर सुख दुख में हमेशा हम उनके साथ रहेंगे और खड़े रहेंगे, उनके विकास के मुद्दे को लेके आगे आगे तक बात पहुंचाएंगे। मेरा जिला पंचायत सदस्य खाली सीट सानू देवी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।